दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कॉन्टैक्टर क्या होता है, कॉन्टैक्टर की वर्किंग क्या होती है और कॉन्टैक्टर कहाँ पे यूज होता है और कॉन्टैक्टर के अंदर क्या क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से कि कॉन्टैक्टर क्या होता है ये बताने वाला हूँ, कैसे ये काम करता है ये विद डायग्राम के साथ समझाने वाला हूँ, इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं और इसके इनसाइड यानी कि इसको खोल के प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल भी इसको ऑन ऑफ करके इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी दे के दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारे पास तीन कॉन्टैक्टर हैं जो कि अलग अलग सप्लाई के हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कॉन्टैक्टर होता क्या है। दोस्तों कॉन्टैक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक से ऑपरेट होता है, यानी कि बिजली से ऑपरेट होके स्विचिंग का काम करता है, पावर स्विच का काम करता है। मान लेते हैं हमें कोई स्विच बोर्ड के ऊपर है, घर में जो स्विच बोर्ड लगा होता है उसके ऊपर बटन दबाना है तो वो मैनुअली में होता है, उसको मैनुअल में प्रेस करके छोड़ेंगे तब जाके वो काम करेगा। दोस्तों ये एक इलेक्ट्रिकल स्विचिंग डिवाइस है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर जब बिजली देंगे तब ये स्विचिंग का काम करेगा। तो ये तो था एक कॉन्टैक्टर क्या होता है, यानी कि कॉन्टैक्टर होता है कि इसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे हम, बिजली दे देंगे तब ये जाके ऑन ऑफ होगा। कॉन्टैक्टर दोस्तों नॉर्मल पोजीशन पे ओपन रहता है, ठीक है, जब ये नॉर्मल ऑफ होता है तो इसके सर्किट जितने भी होते हैं ऊपर कॉन्टैक्ट होते हैं वो ओपन रहते हैं नॉर्मल पोजिशन पे, ठीक है। दोस्तों इसका सर्किट डायग्राम आपको कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये तीन पोल का है तो तीन पोल का मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके कॉन्टैक्ट आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों ये कॉन्टैक्ट हो गए जो ऊपर के कॉन्टैक्ट हैं, ये वाले L1, L2, L3, T1, T2, T3। तो यहाँ पे ये मैं लिख भी देता हूँ L1, L2, L3, T1, T2 और T3। दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर एक कॉइल होती है, मैंने आपको बताया कि ये एक बिजली से ऑपरेट होने वाला है। तो दोस्तों ये जो कॉइल होती है ये अलग अलग उसके अंदर आती है पावर वोल्टेज के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको एक दिखा देता हूँ, जैसे कि इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों एक ये 220 वोल्टेज 50 हर्ज, यानी कि ये सिंगल वोल्टेज पे 220 वोल्टेज से लेके 250 वोल्टेज तक ये ऑपरेट होने वाली इसके अंदर क्वाइल है। दोस्तों एक 415 और मतलब कि 450 के आसपास भी होती है क्वाइल, जो कि आपको मैं कॉन्टैक्टर दूसरा दिखा देता हूँ, इसके ऊपर लिखा हुआ है ये 415 वोल्टेज 50 हर्ज। दोस्तों जहां पे न्यूट्रल नहीं होता, थ्री फेज के लिए जरूरत पड़ती है, वहां पे हम 415 वाला कॉन्टैक्टर यूज करेंगे और जहां पे सिंगल फेज का सप्लाई होती है यानी कि न्यूट्रल अवेलेबल होता है वहां पे हम 220 वाला कॉन्टैक्टर यूज करेंगे। बेसिकली हम सिंगल फेज का ही यूज करते हैं पैनल वगैरह के अंदर। तो दोस्तों ये हमारी जैसे कि ये कॉइल है, इसका A1 टर्मिनल है और A2 टर्मिनल है, इसके अंदर हमने यहाँ पे 220 वोल्टेज सप्लाई देनी है। जैसे ही दोस्तों इसके अंदर हम 220 वोल्टेज सप्लाई देंगे तो इसके अंदर यहाँ पे मैं इसके अंदर खोल के दिखाऊंगा, जब आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर कैसे ये ऑपरेट होती है। यहाँ पे मैग्नेट जनरेट होगी तो यहाँ पे इसका प्लंजर है जो है वो इसकी साइड खींच लेगा। दोस्तों इसको खींच लेगा तो इसके कॉन्टैक्ट है ये NC बन जाएंगे सारे के सारे, ये कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही इसके अंदर सप्लाई जानी बंद हो जाएगी, इसको सप्लाई काट देंगे यहाँ से, तो सारे के सारे कॉन्टैक्ट हट जाएंगे क्योंकि इसके अंदर से जो भी वो है मैग्नेट है वो बंद हो जाएगी बननी। वो इसलिए हो जाएगी दोस्तों, मान लेते हैं ये कॉन्टैक्ट ऊपर इसलिए हो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग का फोर्स लगा होता है ऊपर की साइड, ठीक है, इसलिए वापस अपनी पोजिशन पर चले जाते हैं ये, और जब मैग्नेट बनती है तो स्प्रिंग दब जाता है और इसको अपनी साइड खींच लेता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम सप्लाई देंगे, जैसे कि RYB, तो ये कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे सप्लाई दी तो ये सप्लाई यहाँ से मिलनी हो स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे हम मोटर वगैरह के अंदर जहाँ पे हमने यूज करनी है वहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था इसकी वर्किंग इसके विद डायग्राम। तो अभी इसके अंदर देख लेते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर के लिए इसको हम खोल लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसका कॉन्टैक्ट देखते हैं दोस्तों कि कैसे कॉन्टैक्ट काम करते हैं। अभी हमने यहाँ पे दिखाया, ये वाले कॉन्टैक्ट आपको दिखाने वाले हैं, और इसको खोलने से पहले दोस्तों इसके अंदर सप्लाई देके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर ये 1, 2, 3, 4, ये चार पोल का है दोस्तों, इसलिए चार टर्मिनल है यहाँ पे, और ये 1, 2, 3, 4 टर्मिनल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जो ये प्लंजर है अंदर की साइड जा रहा है और कॉन्टैक्ट है इसके जो मिल रहे हैं, ये इस कॉन्टैक्ट की वजह से ये क्या होता है सप्लाई आगे फॉरवर्ड करता है,
यानी कि यहाँ से हमने इनपुट दी और यहाँ से हम आउटपुट ले सकते हैं। ये दब जाएगा, ऑन हो जाएगा, तो ये प्रेस मतलब कि दब जाएगा, नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा तो इस कॉन्टैक्ट सारे मिल जाएंगे, मिलने के बाद सप्लाई हमें आउटपुट में मिलने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम क्या करेंगे इसके अंदर, दोस्तों एक बात और है, जो कॉन्टैक्टर होता है हमारा उसके अंदर कॉइल होती है, कॉइल के दो दो टर्मिनल होते हैं दोस्तों, A1 A2। ठीक है, आप यहाँ पे इस साइड भी सप्लाई दे सकते हैं फेज और न्यूट्रल, और इस साइड भी फेज और न्यूट्रल दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक ये जैसे कि A1 है, ये भी A1 है, और ये A2 है, और ये भी A2 है, इसके बीच में कॉइल लगी हुई है दोस्तों। अगर हम यहाँ से सप्लाई देना चाहें 220 वोल्टेज तो यहाँ से भी दे सकते हैं, अगर यहाँ की बजाय हम इस साइड दे सकते हैं 220 वोल्टेज। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, अगर हम यहाँ एक फेज इस साइड से दे रहे हैं और न्यूट्रल इस साइड से दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि फेज और न्यूट्रल अलग अलग टर्मिनल में दे रहे हैं। अगर A1 में हम फेज दे रहे हैं तो दूसरी साइड से हम A2 में न्यूट्रल देंगे। अगर ऐसा हो गया, मान लो A1 में यहाँ से फेज दे दिया और इस साइड दूसरी साइड से हमने न्यूट्रल दे दिया, तो ये क्या होगा, सीधा डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर A1 के अंदर फेज दे रहे हैं तो A2 के अंदर न्यूट्रल देना है, अगर A2 के अंदर फेज दे रहे हैं तो A1 के अंदर न्यूट्रल देना है। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात बहुत ही ध्यान रखनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर पावर सप्लाई दे देंगे, या तो इस साइड वाले कॉन्टैक्ट टर्मिनल के अंदर दे देंगे, या फिर इस साइड वाले टर्मिनल के अंदर दे देंगे। तो अभी हम इसके अंदर सप्लाई आपको कनेक्ट, दोस्तों अभी हमने क्या किया, इसके अंदर फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे हमने A1 में फेज कनेक्ट कर दिया है और न्यूट्रल में हमने A2 में हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। फेज के अंदर हमने एक बीच में MCB ले ली जो कि ऑपरेट करवाने के लिए। तो अभी इसको हम MCB को ऑन करेंगे तो ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। आप देखना ये प्लंजर को, इसको देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर थोड़ी सी हमिंग साउंड आ रही है, वो एक नॉर्मल चीज़ है, वो आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर कॉन्टैक्ट बनते हैं जब इसके अंदर सप्लाई जाती है। तो दोस्तों ये तो था, इस तरह से इसको इलेक्ट्रिसिटी देके मतलब बिजली देके इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी बारी आती है दोस्तों इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर इसको खोल लेते हैं अभी, इसकी सप्लाई हटा के। ये दोस्तों सिंपल खुलता है, ये इसका जो ये इस साइड का, इसको प्रेस करके थोड़ा सा निकाल लेते हैं, इस तरह से निकल जाएगा लॉक, और दूसरी साइड भी ऐसे ही है, इसको थोड़ा स्क्रू ड्राइवर से करके निकल जाएगा इस तरह से। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक ये स्प्रिंग है, जो ये स्प्रिंग है वो इस तरह से रखा जाता है, जैसी मैग्नेट बनती है तो ये अपने साइड इसको खींच लेता है, और जब छूटती है तो स्प्रिंग इसको ऊपर की साइड कर देता है। ठीक है, इसके अंदर ये दोस्तों ये कॉइल है, कॉइल को हम ईजिली इसको निकाल भी सकते हैं यहाँ से इस तरह से। अगर कॉइल वगैरह हमारी जल जाती है तो इसको आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी कॉइल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे A1 A2 A2, तो ये आप देख सकते हैं, ये A1 है तो ये वाला A1 है, A2 है A2 है। दोस्तों इस कॉइल के ऊपर लिखा हुआ भी है 220 वोल्टेज 50 हर्ज, यानी कि 220 वोल्टेज पे ये ऑपरेट होगी 50 हर्ज में। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर क्या है, जब इसके अंदर पावर सप्लाई देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मैग्नेट बनती है, ये मैग्नेट बनती है तो ये वाला पोर्शन इसको खींच लेता है, इसको खींच लेता है, जब इसको खींचता है दोस्तों ये नीचे की साइड चला जाता है, नीचे की साइड जाएगा, जब ये नीचे की साइड जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। जब इसके अंदर पावर सप्लाई जानी बंद हो जाएगी तो क्या होगा, ये स्प्रिंग की सहायता से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है, और ये आसानी से इसको फिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था इसके इनसाइड, इसके अंदर क्या होता है मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक ये प्लंजर है इसका, और ये कॉइल है, इसके अंदर मैग्नेट बनती है, जो मैग्नेट बनती है तो ये इसको खींच लेता है, जब इसको इसके अंदर सप्लाई जानी बंद हो जाती है तो स्प्रिंग की सहायता, जो स्प्रिंग लगा हुआ है इसकी सहायता से ये ऊपर चला जाता है, नॉर्मल पोजीशन पे ये ओपन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये कॉन्टैक्टर अलग अलग साइज में आते हैं, जैसे कि हमारी मोटर की करंट रेटिंग है उसके हिसाब से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो ये दोस्तों MNX 25 यानी कि 25 एम्पियर का है 3 फेज के अंदर। तो यहाँ पे कुछ डाटा है इसका, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के दिखा देता हूँ। यहाँ पे AC है दोस्तों 1, ठीक है, तो ये AC 1 है तो 45 एम्पियर क्या है दोस्तों, ये जब इसके अंदर यहाँ से सिंगल फेज देंगे, यहाँ पे भी सिंगल फेज, और तीनों जगह पे सिंगल फेज देके सिंगल फेज ही आउटपुट निकाल रहे हैं हम, तो उस केस में ये 45 एम्पियर तक झेल सकता है। और सिंगल फेज की वोल्टेज जैसे कि 690 वोल्टेज हो, ठीक है, और
थ्री फेज सिस्टम के अंदर दोस्तों क्या होगा, थ्री फेज एसी सिस्टम के अंदर 415 वोल्टेज होगी हमारी, ठीक है, तीनों फेज के अंदर 415 वोल्टेज होगी और 25 एम्पियर तक ही लोड लेंगे इसके कॉन्टैक्ट जो है थ्री फेज सिस्टम के अंदर, और 11 किलोवाट की मोटर को इसको हम यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये था इसका डाटा दोस्तों, और इसकी कॉइल है 220 वोल्टेज। कंडक्टर के यूजेस दोस्तों डीओएल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर होते हैं, पैनल के अंदर होते हैं, जो कि हम अपनी मोटर को स्टार्ट स्टॉप करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं वहां से, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आपके मन में कोई और टॉपिक है जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमारी ईमेल आईडी पे उसको सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना हमें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।